Very good morning, Europeans. How are you all? How fine staying in BCA class 4. In previous class, we discussed chapter number 7 of EBS. Chapter number 7, we have done EBS in previous class. Now, class 1, today we start our new chapter, chapter number 8. Today, we will see chapter number 8 in our new class. So, class 1, all of you take out your EBS books. Now, we will take out your EBS books. Page number 4 to 42. 42 will take out your page number. Today, our chapter number 8 is clothes we wear. Clothes we wear. क्लोथ कपड़े जो हम पहनते हैं इस चैप्टर में हम देखेंगे नीड टू वेयर क्लोथ्स हमें जरूरत क्यों होती है कपड़े पहनने की डिफरेंट क्लोथ्स कैसे होते हैं सम स्पेशल क्लोथ कुछ स्पेशल क्लोथ्स कौन से होते हैं आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं इसे सो लिसन दिस वीडियो केयरफुली एंड रीड चैप्टर नंबर 8 एट होम वीडियो को अच्छे से सुनेंगे और घर पे चैप्टर नंबर 8 को अच्छे से रीडिंग करेंगे ठीक है नाउ Start, see page number 4 to 42. It is a hot and soggy summer day. Pew wants to go out and play. बहुत गर्म और पसीने वाला सॉगी हॉट गर्म दिन था कौन सा गर्मियों का समर डे Pew wants to go out and play. Pew क्या चाहती थी घर बाहर जाना बाहर जाकर खेलना चाहती थी बेटी wear something loose and comfortable. It is hot outside. तो उसकी मम्मी पीयू की मम्मी बोलती है बेटी वेयर समथिंग लूज कुछ ढीला और कंफर्टेबल पहनो जिससे क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है हॉट आउटसाइड बाहर बहुत गर्मी है तुम ढीला और कंफर्टेबल पहनकर बाहर जाओ नाउ सी पेज नंबर 43 नीड्स फॉर क्लोथ क्लोथ की जरूरत क्यों होती है हमें नीड्स फॉर क्लोथ वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी हम कपड़े क्यों पहनते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए ठीक है क्यों पहनते हैं हम कपड़े अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन जर्म्स एंड इंसेक्ट कपड़े हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं हीट गर्मी से सर्दी से बारिश से जर्म्स से इंसेक्ट से कीड़े मकोड़ों से हमें कपड़े प्रोटेक्ट करते हैं आज हमने क्लोथ पहना है तो हमें सर्दी नहीं होती है ना हमें प्रोटेक्ट रहते हैं बारिश होती है तो हम गीले नहीं होते समझ आ रहा है तो इसीलिए हमें क्लोथ जरूरी होते हैं इसलिए हम क्लोथ पहनते हैं कपड़े को पहनते हैं नाउ सेकंड टॉपिक डिफरेंट क्लोथ्स अलग अलग तरीके के क्लोथ डिफरेंट क्लोथ्स देयर आर थ्री मेन सीजन इन अ ईयर वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजंस हमारे पूरे साल में थ्री सीजन होते हैं कितने सीजन होते हैं थ्री सीजन ठीक है वी वेयर डिफरेंट क्लोथ इन डिफरेंट सीजन हम अलग अलग सीजन में अलग अलग कपड़े पहनते हैं वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर व्हेन इट इज हॉट कॉटन क्लोथ की स्कूल वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स हम गर्मियों के दिनों में लाइट कॉटन कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो ठंडे होते हैं ठीक है क्योंकि बाहर गर्मी होती है ना समर डेज में गर्मी होती है तो हम कौन से कपड़े पहनते हैं कॉटन क्लोथ कॉटन हमें किससे बचाता है हमें क्या फील कराता है ठंडा महसूस कराता है क्या कराता है ठंडा महसूस कराता है आप गर्मियों में क्या क्या पहनते हो सी हियर ये पैंट टाइप निकर पहनते हैं हम लोग गर्मी में यही पहनते हैं ना हम गर्मियों में और क्या पहनते हैं हम दिस टाइप ऑफ ड्रेसेस वी वेयर इन समर डे में आप इस तरीके के ड्रेसेस पहनते हो छोटे बच्चे फ्रॉक्स पहनोगे पैंट पहनोगे ट्राउजर्स पहनोगे निकर पहनोगे दिस टाइप फ्रॉक्स हो गई गर्ल्स फ्रॉक पहनती हैं और बॉयज क्या पहनते हैं निकर ठीक है फ्रॉक टॉप ये सारे कौन पहनते हैं गर्ल्स पहनती है समर डेज में आप ऐसी टाइप के फ्रॉक पहनते हो ना वेरी गुड नाउ वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर व्हेन इट इज कोल्ड जब सर्दी होती है तो हम कौन से क्लोथ पहनते हैं गर्म वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म वी गेट वूल फ्रॉम शीप कैमल एंड यार्न सर्दियों के दिनों में हम कौन से कपड़े पहनते हैं गर्म कपड़े वूलन क्लोथ्स वूलन क्या करता है हमको गर्मी देता है वूलन हमें क्या देता है वूलन क्लोथ क्या देते हैं हमको गर्मी ठीक है और वूल कहां से मिलती है हमें शीप कैमल याक किससे मिलती है शीप कैमल याक वूलन क्लोथ में सब क्या पहनते हैं दिस टाइप ऑफ कैप सर्दियों में विंटर्स में आप कैप पहनते हैं ना आप स्वेटर भी पहनते होंगे दिस टाइप ऑफ स्वेटर जैकेट हो गया स्वेटर हो गया मफलर आप यूज करते हैं मफलर सब लोग मफलर यूज करते हैं कैप यूज करते हैं स्वेटर यूज करते हैं सर्दियों में विंटर में इससे क्या होती है हमको
गर्मी फील होती है, क्या होती है, गर्मी फील होती है। वी वेयर अ रेनकोट गम बूट्स इन रेनी सीजन व्हेन इट इज रेन। वी ऑल्सो कैरी एन अम्ब्रेला। दीज आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल विच कीप अस ड्राई। वी वेयर रेनकोट एंड गम बूट इन रेनी सीजन व्हेन इट इज रेन। जब बारिश होती है तो हम क्या पहनते हैं, रेनकोट। सबके पास रेनकोट है, सबके पास है ना रेनकोट। वी ऑल्सो कैरी अम्ब्रेला। हम क्या लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, अम्ब्रेला। बारिश के दिनों में हम क्या यूज करते हैं, अम्ब्रेला। सबके पास है अम्ब्रेला, सबके पास रेनकोट भी है। जब बारिश होती है तो हम क्या यूज करते हैं, अम्ब्रेला यूज करते हैं। और ये हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं, गीले होने से हमको बचाते हैं। किससे बचाते हैं, रेनकोट पहनते होंगे तो देखते हो आप गीले होते हो, नहीं आप लोग गीले नहीं होते हो, क्योंकि वो हमको गीले होने से बचाते हैं। तो समझ में आया, डिफरेंट क्लोथ, अलग अलग क्लोथ, अलग अलग सीजन में। समर सीजन में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोथ। विंटर सीजन में वुलन क्लोथ। रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में रेनकोट, गम बूट्स, ये सब हम लोग पहनते हैं। नाउ सम स्पेशल क्लोथ। स्पेशल क्लोथ क्या होते हैं, फर्स्ट क्लास। सम पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ। दीज क्लोथ टेल अस अबाउट द वर्क देयर पीपल डू। दीज स्पेशल क्लोथ आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। सम पीपल्स वेयर स्पेशल क्लोथ। कुछ लोग जो है स्पेशल क्लोथ पहनते हैं। दीज क्लोथ टेल अस अबाउट द वर्क दीज पीपल्स डू। ये क्या बताते हैं कि ये कौन सा काम करते हैं, किससे पहचाने जाते हैं, क्योंकि ये अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। दीज स्पेशल क्लोथ आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। हम उनको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। चिल्ड्रंस ऑल्सो वेयर स्कूल टू देयर यूनिफॉर्म। बच्चे हमेशा स्कूल में स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। सम अदर पीपल्स हु वेयर यूनिफॉर्म आर एज फॉलोअर्स। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग, जैसे आपने लॉयर देखा होगा, लॉयर ब्लैक कोट व्हाइट पैंट शर्ट पहनते हैं, डॉक्टर व्हाइट कोट पहनते हैं और गले में स्टेथोस्कोप वगैरह, तो हमको पता चल जाता है ये डॉक्टर है। नर्स क्या करती है, कैप लगाती है, पूरी नर्स की ड्रेस पहनती है। पुलिसमैन ब्राउन कलर की कैप लेके, गन लेके, स्टिक लेके चलते, तो हमको पता चल जाता है कि उनकी ड्रेस से हमको पता चल जाता है ये क्या है, पुलिसमैन है। स्पाइडर सिक्योरिटी गार्ड, जो कि अलग अलग तरीके से। अब बात होगी यूनिफॉर्म, बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। जैसे कि आप भी भारत विद्या स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप भी बच्चों अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते होंगे ना, तो आपकी टी शर्ट कैसी है, दिस, यही है आपकी टी शर्ट, स्कूल टी शर्ट, ठीक है। नाउ फॉर बॉयज, बॉयज के लिए क्या है, पैंट, पैंट पहनते हैं बॉयज। गर्ल्स क्या यूज करती हैं, स्कर्ट्स। हमारे स्कूल में, भारत विद्या स्कूल में गर्ल्स क्या यूज करती है, स्कर्ट्स यूज करती है, यस। और इसके साथ हमारे स्कूल का टाई भी है, बैग भी है। दिस इज टाई, दिस इज बैग एंड दिस इज सॉक्स। ये हम कब पहनते हैं, समर में, समर में पहनते हैं। और विंटर में हमारे पास एक और चीज ऐड हो जाती है स्कूल यूनिफॉर्म में, क्या ऐड होती है, आर स्कूल स्वेटर एंड स्कूल कोट, ये भी ऐड हो जाता है ना, यस। इससे आपको पहचाने जाते हो कि आप कौन से स्कूल के स्टूडेंट हो, दिस यूनिफॉर्म से आप भारत विद्यापीठ स्कूल के स्टूडेंट हो, ठीक है। स्कूल यूनिफॉर्म से पता चलता है ना कि आप कौन से स्कूल से हो। डिफरेंट स्कूल्स के डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्म्स होती है। हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, तो जिससे सब लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये भारत विद्यापीठ स्कूल में बच्चा पढ़ता है, समझ में आया। और हम क्यों पहनते हैं कपड़े, क्यों पहनते हैं क्लोथ्स, व्हाई शुड वी वेयर क्लोथ्स, टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी, हमारी बॉडी को कवर करने के लिए, और हीट रेन बारिश गर्मी सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए हम क्या पहनते हैं, क्लोथ्स पहनते हैं। नाउ फर्स्ट क्लास आपको समझ में आया ये चैप्टर, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, क्लोथ प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट कोल्ड रेन जर्म्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। कॉटन क्लोथ्स किसमें पहनते हैं हम, समर में। वुलन क्लोथ्स विंटर में। रेनकोट गम बूट ट्यूज एंड अम्ब्रेला इन रेनी सीजन। रेनकोट हो गए, गम बूट्स हो गए, अम्ब्रेलाज हो गए, हम किसने यूज करते हैं, रेनी सीजन में। सो क्लास का ऑल ऑफ अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। दोज़ हू कांट अंडरस्टैंड लिसन दिस वीडियो केयरफुली टिल द एंड। वीडियो को एंड तक अच्छे से।